आज मालेगांव शहर में सोनगांव फाटे के ऊपर एक दुखद हादसा हुआ। एक छोटा बच्चा जो कि अपनी वालदा के साथ और उसके मामू के साथ वो त्यौहार करने के लिए इधर रोड के इस पार आए हुए थे, सोनगांव फाटे के इस पार आए हुए थे और त्यौहार करने के बाद वो अपने घर पर वापस जा रहे थे। वापस जाने में ये हादसा पेश आया कि 2.5 साल का बच्चा जिसका नाम सैयद अनस है, उसका कंटेनर वाले ने उसको मारा, वालदा को मारा, वालदा को झटका लगा तो वालदा के हाथ से बच्चा छूटा और छूटने के बाद वो टायर की जद में आ गया। अभी यहाँ पर ऐसी चर्चा चल रही थी कि वहाँ ब्रेकर है या नहीं है, उसके ऊपर ही यहाँ पर बात शुरू हो गई थी। मेरा बोलना है कि ब्रेकर हो या ना हो, मालेगांव शहर के अंदर उस जगह पर इतने हादसे दिन रात हादसे होते हैं कि हर हफ्ते में एक आदमी वहां पर इंतकाल होता है। हम लोगों ने हमेशा ये चीज देखी है, प्रशासन को बोल चुके, लीडरों को बोल चुके, हर किसी को बोल चुके कि वहां पे अंडरग्राउंड रास्ते बनाओ, वहां पे साइड में डिवाइडर डालो, उसके अलावा अगर नहीं होता है तो वहां से ब्रिज पास करा दो ताकि मालेगांव वालों की इतनी जाने ना जाए। मैं तो बोलता हूं कि अनगिनत लोग वहां पर अभी तक उनका इंतकाल हो चुका है, कब तक लोग ऐसे मौतों को और अपनी जानों की कुर्बानी दे के इस तरीके से ये मामलात करते रहेंगे। 2.5 साल का बच्चा है, इतनी ज्यादा उसको मार लगी हुई, आप लोग देखोगे तो आप सभी का खून खौलेगा। पूरी पीठ के पीछे से नीचे तक पूरा छिल चुका है और उसके पैर के ऊपर से कंटेनर चला गया। मैं इतनी बॉडीज देखता हूँ यहाँ पे, आज मेरा देखने का दिल नहीं हो रहा था, हमारे बदन से रूह कांप रही थी कि यार ये क्या हो गया ऐसा, इतना खूबसूरत बच्चा था। हम मालेगांव के लीडरों से और सियासी हजरात से सबसे गुजारिश करते कि वो रोड का कुछ करे या हमारा साथ दे, हम क्या करेंगे वो देखे, क्योंकि हम अगर करने उतरे तो 100 मुंह 100 बात रहती है। फिर आजादी का अमृत महोत्सव अपन मालेगांव शहर में मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ से अपन ने बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए हैं। 13 तारीख से लेके तो 15 तक पहला जो कंसेप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आदरणीय पंत प्रधान मोदी जी साहब का और अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब का, उन्होंने एक कंसेप्ट रखा है कि हर घर तिरंगा 13 अगस्त से लेके तो 15 अगस्त तक, सुबह 6 बजे से लेके तो आप 24 आवर्स कभी 24 आवर्स तक आप तिरंगा अपने गहरा जगह पे, अपने घर पे, अपने जो ऑफिसेस है वहाँ पर अपन तिरंगा लहरा सकते हैं और वो तिरंगा आपको कॉरपोरेशन के जो प्रभाग कार्यालय है, 4 प्रभाग कार्यालय वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। उसका 25 रुपया पर तिरंगा उसका प्राइस रखा है। तो मैं शहरवासियों से विनती करता हूँ कि आप ये जो तिरंगा हर घर तिरंगा कंसेप्ट है उसमें आप सबने शहीद सहभागी होना है और इसको रिस्पॉन्ड करना है। सर कितने तिरंगे? अपना मालेगांव शहर का टारगेट 85,000 का था, अब तक अपने पास में कम से कम 55,000 तिरंगा उपलब्ध है। मैं विनती करता हूँ आप अपना घर का तिरंगा ले जाइए और त्यौहार मनाइए। सबसे पहले मैं उन तमाम ताजियदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 11 तारीख को जो जुलूस की शक्ल में सब ताजियदार अपने अपने तौर पर अपने अपने मोहल्ले से निकल के मासूम सा कुट्टी होते हुए बिकन सा दरगाह के पास हुसैनी सागर पर जो ताजिया तुर्बत दफनाई गई, ताजिया शरीफ दफनाई गई, हम उन तमाम ताजियों का शुक्रिया अदा करते हैं और शासन प्रशासन खास तौर से एडिशनल SP साहब ने जो हमारा ताउन किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। उन हजरात का भी शुक्रिया जिन्होंने सुन्नी ताजिया कमेटी को भरपूर तरीके से कवरेज दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम जिम्मेदारान, बिलखसूस इस साल नुमाइंदगी करने वाले जनता दल सेकुलर के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का सुन्नी ताजिया कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। बिलखसूस उनसे गुजारिश की जाती है कि जिस तरीके से आपने सुन्नी ताजिया कमेटी की हर जगह नुमाइंदगी की है, आगे भी हमें जब आपकी ज़रूरत पड़े सुन्नी ताजिया कमेटी के लिए आप तशरीफ़ लाए, ऐसी गुजारिश है। आज के एडिशनल SP जनाब चंद्रकांत खांडवी साहब और प्रशासक के कमिश्नर साहब और प्रांत ऑफिसर शर्मा साहब, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम पुलिस स्टेशन के PI जिन्होंने भरपूर मेहनत की और हमारे किला पुलिस स्टेशन के हद्दी के DYSP साहब और जिनके पास आज मालेगांव का भी चार्ज है, DYSP साहब ने भी भरपूर मेहनत की और हम उनका भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल इस्लाम
और दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी, इनकी जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है। ख़ास मालेगाँव के तमाम शहर के ताज़िया दारों का, ख़ास करके सुन्नी ताज़िया कमेटी और तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया जाता है। महाराष्ट्र हुकूमत से जो 15 करोड़ रुपया शहर के सीमेंट कंक्रीट रास्ते के लिए महाराष्ट्र की जो हुकूमत थी अजीत दादा पवार साहब के ज़रिए, जो मालेगांव शहर के अंदर जो 15 करोड़ रुपया फंड लाए गए थे, गांधीनगर चौक का काम अभी शुरू है और आज हम लोगों ने मौलाना अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान से मदनी नगर तड़वी नगर वाला रास्ता जो है सरदार भाई बेकरी वाले के घर तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता, और दूसरा रास्ता अब्बास नगर लॉकडाउन होटल से सलामताबाद चौक तक, ये दो सीमेंट कंक्रीट रास्ते के काम की शुरुआत करने के लिए आज हम लोगों ने दौरा किया और 4-5 रोज़ में जो भी अतिक्रमण वगैरह है रोड की साफ सफाई करके काम की हम लोग शुरुआत करेंगे और ये सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनने जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर अब्दुल हकीम चौक से लेकर अब्बास नगर चौक तक ये रास्ता ख़त्म होने के बाद वो रास्ते का काम होगा और इसी तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर सीमेंट कंक्रीट रास्ते का काम की शुरुआत हो गई है और इंशाल्लाह उसको मुकम्मल किया जाएगा और दोबारा शहर के अंदर फंड किस तरीके से आए और शहर के झोपड़पट्टी इलाके के अंदर और जहां शहर के अंदर ज़रूरत है सीमेंट कंक्रीट रास्ते की, उसके लिए फ़ंड लाने की हमारी कोशिश जारी है और शेख रशीद साहब की क़यादत के अंदर शहर के अंदर तामीर और तरक्की के काम, डेवलपमेंट के काम हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर दौरा किया है, कांग्रेस पार्टी में थे जब भी, आज भी और हमेशा, सिर्फ हम लोग शहर की आवाम से एक मुद्दे पर वोट मांगते हैं, वो है डेवलपमेंट विकास के नाम पर और इंशाल्लाह आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में भी या कोई भी चुनाव हो सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर हम वोट मांगेंगे और हमें उम्मीद है कि शहर की आवाम इससे पहले भी हम लोगों को कबूल की, मौका दी और आने वाले दिनों के अंदर ज़्यादा मौका देगी, ज़्यादा सीटें चुन कर देंगी, 2017 के चुनाव से ज़्यादा सीटें इंशाल्लाह इस मरतबा चुन कर देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।